तो भर गया। अब ये जानना जरूरी है कि माँ के ब्लड रिलेशन में कोई है या नहीं। हमारे सुंदर चेहरे सा, ए भाई इनकी भी आवाज है, आइए। हमारे सुंदर चेहरे सा, सबको बताइए कि माँ ने हमें बताया है कि वो अपनी फैमिली से मेले में बिछड़ गई थी। हाँ, और किसी नाटक मंडली वाली ने उन्हें पाला है। अब भैया मैं क्या बोलती हूँ, ये काम तो भाई तेरे को ही करना पड़ेगा। हाँ, अरे माँ क्या कर रही हैं? इस वक्त तो मैं तुम्हारी माँ का रोल कर रही हूँ। अरे आप अभी भी इसे रोल ही समझ रही हैं? हम सब रोल ही तो कर रहे हैं, कोई माँ का, कोई भाई का, कोई बहन का। मैं यही सोच रहा था कि काश मेरे जीवन में भी ऐसा कोई होता जो मेरे भाई का या बहन का रोल कर रहा होता। क्यों, हम सब है ना? नहीं, आप सब लोग तो हो ही, मतलब ये मेरी खुशनसीबी है कि आप सब लोग हो। मैं सोच रहा था कि मेरा भी कोई सगा भाई या बहन होती, जैसे हर किसी का होता है। आपका भी तो होगा कोई? मेरे लिए तो तुम सभी मेरे सगे संबंधी हो। हाँ वो तो है। अपूर्व तुम जानते हो? नहीं सॉरी, क्या कह रही थी आप? हाँ, जब मैं हॉस्पिटल में थी और मुझे बहुत चोट आ गई थी और बहुत खून बह गया था जी, और तुम तीनों भाइयों का खून एक ही ग्रुप का निकला और तुम तीनों ने मुझे खून दिया, तब ना मुझे मंजी की याद आ गई। शायद इनकी कोई रिश्तेदार होगी। यस, कौन मंजी? आपकी कोई बहन जी थी? अरे मंजी को नहीं पहचानते? मनमोहन देसाई। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, वो मंजी, ऑफ कोर्स द ग्रेट फिल्म मेकर। मैं तो ना उनकी फिल्मों की बहुत बड़ी फैन। कभी कभी मुझे लगता है कि मनमोहन देसाई ने अपनी हर फिल्म की कहानी जैसे मेरी जिंदगी पर से ही लिखी हो। क्यों, आपकी जिंदगी की कहानी भी उतनी फिल्मी थी? मुझे आज भी याद है, मैं बहुत छोटी थी, 5-6 साल की रही होंगी, तब मेरा एक भाई था बट्टी। तब मैं, मेरा भाई और मेरी माँ, हम तीनों एक मेले में गए थे। मैं छोटी थी तो मैंने जिद पकड़ी कि मुझे तो जलेबी खानी है, तो मेरा भाई मुझे जलेबी वाले के पास ले गया। जलेबी वाले ने जैसे ऐसे घी में जलेबी डालना शुरू किया कि घी का एक छींटा आकर मेरे हाथ पर लग गया। मैं तो इतना रोई उस वक्त, लेकिन उसके बाद जब उसने जलेबी निकाली और चाशनी में डाल ही रहा था कि एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, आंधी चलने लगी, लोग डर गए, इधर उधर भागने लगे, पूरा मेला तहस तहस हो गया। इधर उधर भागने में मैं, मेरे भाई और मेरी माँ तीनों बिछड़ गए। वो दिन और आज का दिन, हम तीनों बिछड़ गए और आज तक एक दूसरे को नहीं मिल पाए। लेकिन मेले के उस तूफान से मुझे पार्वती देवी ने बचाया, जो खुद एक बहुत बड़ी कलाकार थी, नाट्य मंच चलाती थी। मुझे सहारा दिया और मुझे नाटक की ट्रेनिंग। बस तब से लेके आज तक अभिनय कर रही हूँ और देखो आज तुम्हारी माँ का रोल कर रही हूँ। वाह क्या कहानी है, बिल्कुल सच लगती है। मतलब सच ही है। लेकिन माँ, आपने अपनी माँ के बारे में या भाई के बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की? उनके बारे में कभी कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। मुझे आज ये भी पता नहीं है कि मेरी माँ जिंदा होगी भी या नहीं। हाँ, लेकिन कभी कभी मेरे भाई बंटी की मुझे बड़ी याद आती है। लेकिन अब इतने साल हो गए हैं कि आज हम दोनों एक दूसरे के सामने से ऐसे गुजर भी जाएं, तो भी हमें पता नहीं चलेगा कि वो मेरा भाई है और मैं उसकी बहन। वो तो है। कभी कभी लोग हमें ये कहते हैं कि ऐसे सब कहानियां तो फिल्मों में ही बनती है या नाटकों में ही बनती है, लेकिन अब तू बता कि जिंदगी का ये नाटक बड़े बड़े नाटकों से भी ज्यादा नाटकीय नहीं है? बिल्कुल माँ, बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। बिल्कुल। एनीवे माँ, तब अब आराम कीजिए।
वालों, माँ के ब्लड रिलेशन का पता चल गया। अभी एक काम कर, फॉर्म में लिख, उनके भाई का नाम बंटी था जो बचपन में मेले में बिछड़ गया था। चलो अब क्या बचा है, सिर्फ माँ के सिग्नेचर्स, दैट्स इट। लेकिन वो कैसे लेंगे? हाँ पूर्वो, अगर माजी के पास ये फॉर्म लेके जाए तो माजी तो इसको पढ़ लेगा, उसको सब पता लग जाएगा। हाँ। पानी सा, इनसे कहिए हमारी सारी मेहनत आप में गई। ये पानी किधर? ओहो गांव वालों, मेरी बात तो सुनो। अरे उसका भी प्लान रेडी है। मुझे बताओ कलाकार किस चीज का भूखा होता है? शो खत्म होने के बाद पेमेंट है। अबे तेरी बात नहीं हो रही, कलाकार की बात हो रही है। सबसे ज्यादा खुशी जो कलाकार को होती है वो होती है ऑडियंस की तालियों से, ऑडियंस की वाह वाह से और फैंस से। परफॉर्मेंस के बाद आते हैं ना फैंस, जमा होते हैं, ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ, इससे सबसे ज्यादा खुश होता है कलाकार। वाह पूर्ण, मैं समझ गया, हम इस पर माँ का ऑटोग्राफ लेंगे, राइट? यस। सुनो प्लान सुनो, आज रात के खाने के बाद मैं माँ से कहूंगा कि माँ उस दिन शो के दिन है ना, अंकल की टेंशन की वजह से हम आपका परफॉर्मेंस एंजॉय नहीं कर पाए, तो आज हम सब लोगों के लिए एक रिपीट परफॉर्मेंस प्लीज प्लीज, और फिर माँ हमारे लिए परफॉर्म करेगी, हम माँ की तारीफ करेंगे कि क्या बात है, वाह वाह जोरदार, तालियां बजाएंगे सब, बहाने माँ इस पर साइन करेगी और हमारा काम हो जाएगा। बस 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 बस, अच्छे बाबा अच्छे, मैं करती हूँ परफॉर्म करती हूँ, बस मैं काम करूँ अपूर्वा, अपने गेटअप में आ जाऊँ, हाँ ऐसे मतलब 5 मिनट ही लगे। नहीं नहीं नहीं, माँ माँ आप वैसे ही झांसी की रानी लक्ष्मी बाई लग रही है, बस थर्ड बेल दे दीजिए और परफॉर्म कीजिए। ओके, लेकिन अपने अपने मोबाइल प्लीज स्विच ऑफ कर। हाँ हाँ हाँ, मा रेडी? रेडी। ओके, युवा शक्ति नाट्य मंच प्रस्तुत करते हैं झांसी की रानी। तबड़क 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 तबड़क, मैं झांसी की रानी वीरांगना पाकर आई हूँ उस ज्ञान को जो मैं बांटूंगी संपूर्ण मानव जाति को। देखो धरती पर मचा है हाहाकार, जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, दूर करने सारे दुख और मिटाने सारे अत्याचार। अरे ये तो वही नाटक का डायलॉग जो उस दिन मैंने सुने थे। फिर से अवतार, पर अभी अवतार नहीं करेंगे किसी का सौहार, क्योंकि ये तो करेंगे प्यार का प्रचार, और धरती को स्वर्ग बनाने का सपना हो जाएगा साकार। जी, ये क्या हो रहा है? नाटक। आप कैसे झांसी की रानी हो सकती? मेरे सिवा और कोई रानी लक्ष्मीबाई का रोल कर ही नहीं सकता है, मेरी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। अबे रुक! चंद्रमुखी चौक। समझ जी, ये क्या हो रहा है? नाटक। मैं देख रहा हूँ, लेकिन आप कैसे झांसी की रानी हो सकती? मेरे सिवा और कोई रानी लक्ष्मीबाई का रोल कर ही नहीं सकता है, मेरी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। यानी आप वो नाटक में? अच्छा, आप देखने गए थे वो नाटक? मुझे नहीं पता था आपको भी नाटक देखने का शौक है। अरे बहुत शौक है। अच्छा, दरअसल हुआ ऐसे ना कि मेरे दोस्त को चीफ गेस्ट बनाया था उस नाटक में, वो जा नहीं पाया तो उसकी जगह मैं चला गया, और मुझे भी नाटक देखने मिला, धरती बनी स्वर्ग। वो उसमें समधन जी झांसी की रानी कैसे? नहीं 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 नहीं, क्या है कि
आज माँ एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो सकती थी अगर हम तीन भाइयों की जिम्मेदारी उनके सर पर नहीं होती तो माँ आज एक बहुत बड़ी कलाकार होती। अच्छा जी मतलब मैंने कहा था आपसे कि हम भांगवाड़ी में रहते थे तो वहां पर एक मणिकांत जी थे। अरे उस दिन वो यम बनकर आया था ना वो आज ही हाँ वो भी तो थे नाटक में। हाँ तो उसी नाटक की रिहर्सल हमारे पड़ोस में चलती थी तो हम तीन भाई ना हमेशा जिद करते थे माँ से कि माँ हमें वो नाटक देखना है। माँ कहती थी बेटा वहां कैसे ले जाऊंगी तुम तो इतने छोटे हो एक काम करती हूँ मैं तुम्हें यही रानी लक्ष्मीबाई के डायलॉग बोल के बताती हूँ। और माँ हम तीनों भाइयों को बारी बारी अपने पीठ पर बांधती थी और रानी लक्ष्मीबाई के डायलॉग्स परफॉर्म करती थी। जी एक दिन मणिकांत जी ने माँ को घर में ये परफॉर्म करते हुए देख लिया और बस जिद पकड़ ली कि मेरे इस नाटक में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका सिर्फ आप करेगी। और उन्होंने की अफसोस नहीं कर सकी वो क्योंकि हम छोटे थे हमारी जिम्मेदारी थी तो माँ ने अपनी इच्छाओं का बलिदान हमारे लिए दे दिया। क्या बात है समझन जी लेकिन अंकल आज भी मणिकांत जी कहते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रोल दामिनी जी से बेहतर कोई नहीं कर सकता उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। क्या बात है समझन जी धन्य हो गया उच्च विचार आप एक महान कलाकार एक ऐसा कलाकार जो लोगों को नहीं बल्कि अपने परिवार को परफॉर्म करके खुश रखता है। क्या बात है समझन जी अब तो मैं भी इस परिवार का एक हिस्सा हो गया हूं तो बुरा ना माने तो एक परफॉर्मेंस मुझे भी देखने मिलेगा। ठीक है ठीक है मैं झांसी की रानी वीरांगना पाकर आई हूँ उस ज्ञान को जो मैं बांटूंगी संपूर्ण मानव जाति को। देखो धरती पर मचा है हाहाकार जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दूर करने सारे दुख और मिटाने सारे अत्याचार लेना पड़ेगा महापुरुषों को अब फिर से अवतार लेकिन अब ये अवतार ना करेंगे संहार ये तो सिखाएंगे इंसानियत के संस्कार फिर हर घर में होगी झांसी की रानी और महाराणा प्रताप जैसे चमत्कार और धरती को स्वर्ग बनाने का सपना हो जाएगा साकार। ऑटोग्राफ चाहिए ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ जल्दी जल्दी झांसी की रानी यहाँ पे ऑटोग्राफ अरे भाई यहाँ तो सिग्नेचर भी लिखा है आपको अखबार में अपने माताजी का फोटो छपवाना है और साथ में ये भी लिखवाना है कि आप उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं और अगर तीन दिन में किसी ने क्लेम नहीं किया कि वो दामिनी दीवान के ब्लड रिलेशन में है तो मैं दत्तक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके आपको दे दूंगा। अरे शर्मा जी आपका पासवर्ड क्या बात कर रहा है नमस्ते सर अरे आवाज नहीं आ रही इसलिए बोल रहा हूँ क्या बात कर रहा है बोलो देखने से मालूम होता है कि ऑफिसर आज बहुत अच्छा मूड में है लगता है हमारा काम तड़ातड़ी हो जाएगा होप सो अरे अभी काम में बिजी हूँ मैं बाद में बात करता हूँ और सुनिए त्रिदेव कैसे हैं आप स्वागत है आपका जी शुक्रिया सर ये फॉर्म लाए अच्छा 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 दामिनी दीवान हाँ दादा दामिनी दीवान और ये ऑडिशन का जो प्रक्रिया है वो पूरा होने के बाद उनका नाम हो जाएगा दामिनी शाह हाँ जरूर डेट ऑफ बर्थ बर्थमार्क सर्टिफिकेट सिग्नेचर
परफेक्ट करा दिया। धन्यवाद ओम केदारनाथ जी, हम आपके आभारी रहेंगे। अब सारी औपचारिकताएं संपन्न हो चुकी हैं, तो आप हमारी माँ का दत्तक प्रमाण पत्र अपने हस्ताक्षर सहित हमें सौंप दीजिए। भाई साहब देखिए, ये सच है कि सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने का आदेश है, पर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गई। औपचारिकता, दत्तक प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर, है ये तो भारी शब्द हो गए ना। नहीं नहीं, उनके कहने का मतलब यह है कि माँ का जो अडॉप्शन सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर आपका सिग्नेचर और ऑफिस स्टैम्प तो मिलेगा ना। तो ऐसे हिंदी में बोलिए ना। अब बस आखिरी फॉर्मेलिटी बाकी है। अभी क्या बाकी है? और आपको अखबार में अपने माताजी का फोटो छपवाना है और साथ में ये भी लिखवाना है कि आप उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं। और अगर 3 दिन में किसी ने क्लेम नहीं किया कि वो दामिनी दीवान के ब्लड रिलेशन में है, तो मैं दत्तक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके आपको दे दूंगा। सही बोला ना मैंने? तो आइए अखबार में छपा के। ठीक है सर जी, शुक्रिया। अपूर्व भैया, ये तो गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। हाँ यार, यदि माँ का चित्र समाचार पत्र में छपवाना आवश्यक है तो ये कठिन कार्य है। अंकल जी से और आरती जी से कैसे बचाएंगे? अपूर्व, हम एक आइडिया देगा। आपके दिमाग में आइडिया है, मतलब कोई ऊट पटांग ही होगा है ना? अरे दादा, हमारे बारे में तुम हमेशा गलत समझता है, हमारा आइडिया सुन तो लो। बको दादा, हम एक तो ऐसा न्यूज़पेपर जानता है जिसको कोई भी नहीं पढ़ता है, मतलब कि जो वो न्यूज़पेपर छापता है ना वो खुद भी नहीं पढ़ता है। ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जो छापने वाला स्वयं नहीं पढ़ता है? है दादा, एक तो न्यूज़पेपर ऐसा है जिसको कोई भी नहीं पढ़ता है, वो समाचार पत्र का नाम है सच बोल पत्र। सच बोल पत्र? हाँ। देखिए, हमने दुनिया के हिंदी के सभी समाचार पत्र पढ़े हैं, लेकिन इसका तो नाम भी नहीं सुना। हाँ, सुनेगा कैसे जब ये किसी स्टॉल पे आता ही नहीं है। अरे बाबा, छापने के बाद सीधा राज्जी का दुकान में जाता है, कोई पढ़ता नहीं है उसको। तुझे कैसे पता ये सब? ओ दादा, क्या है, जब हम पहले जेब काटता था ना तो जब भी कोई खूब माल वाला बटुआ हमारे हाथ में लगता था तो यही न्यूज़पेपर के अंदर में हम ऐड देता था कि भाई जिसका है आके हमसे मिलो और अपना माल ले जाओ। तो दादा, कोई पढ़ता ही नहीं था तो आएगा किधर से सारा माल अपना? किंतु अगर हमको वो माल के साथ में पुलिस पकड़ लेता था तो हम पुलिस को न्यूज़पेपर दिखाता, देखो बाबा हम तो छपवाया है, वो लेने नहीं आया, तो माल अपना और पुलिस से भी बच जाता था। वैसे अपूर्व भैया, यदि कोई ऐसा समाचार पत्र है जो छपने के बाद सीधा रद्दी वाले के पास जाता है तो अंकल जी और आरती जी के पढ़ने की संभावना बिल्कुल शून्य है। तो ठीक है, तुम दोनों अभी उस अखबार के दफ्तर में जाओ, माँ की फोटो के साथ साथ अडॉप्शन की न्यूज भी दे दो। पंकज, अडॉप्शन का मैटर लिखो गे? जी बिल्कुल बेटा, निकलो निकलो जाओ। चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग हरिराम। गुड मॉर्निंग मालिक। यस यस यस, ये लीजिए मालिक। चश्मे कहाँ है भाई? क्या कहती है दुनिया, ये क्या है हरिराम? मालिक, जो रोज का अखबार आता है ना उसके साथ फ्री में है। फ्री में सप्लीमेंट? वो एक जमाना था जब अखबार जो है हर एक के घर में फ्री पहुंचाया जाता था, तब जर्नलिज्म बिजनेस नहीं था, लोगों को जागरूक करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए ये अखबार छापा जाता था। आज के इंटरनेट के जमाने में किसी को कोई पड़ी नहीं, देश कहीं भी जा रहा है, क्या हो रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं है। सच बोल पत्र, सच्चाई का एकमात्र दैनिक। वाह भाई वाह, नाम थोड़ा इंस्पायरिंग है। किश,
संदन जी का फोटो। जरूरी घोषणा, कुमारी दामिनी दीवान। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। अरे बबली, अरे ओ बबली, कैम छो, मजा में।